इको पार्क का जो बाउंड्री वाल है, पूरा बाउंड्री वाल आपको अच्छी तरह चेक करना है, और ये देखना है कि कोई भी अनजान व्यक्ति बाउंड्री फान कर हमारे डायमंड इको पार्क के अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। और जो हमारा मुख्य द्वार है, मेन गेट, डायमंड इको पार्क का जो मेन गेट है, मेन गेट से जब भी कोई लेबर या कोई अनजान आदमी गुजरता है, कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार के लोग, लेबर, हाउसकीपिंग वाले, इनको नॉर्मल चेक कर लिया करो। हो सकता है इनके पास कोई शराब निकल जाए थैले में, झोले में या पाकिट में, आप चेक करना, क्योंकि आपका अधिकार है। इस क्षेत्र के अंदर कोई भी घटना दुर्घटना घटी तो आप जवाबदार है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नम्रता और प्रेम से सब कार्य को अंजाम दो। ओके, अपनी ड्यूटी के दौरान सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, चारों तरफ ध्यान देना है, हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नज़र रखना है। रात्रि पारी के अंदर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड सोने की कोशिश ना करे, इस बात का ध्यान रखे, और एक साथ में ना बैठे। एक पेट्रोलिंग करना है तो एक बैठना है, लेकिन दोनों एक साथ में बैठे नहीं, और मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा आपको कैच कर रहा है, इस बात का ध्यान रखें आप। परेड सावधान, परेड सैल्यूट। जब भी कोई अधिकारी, जब भी कोई अधिकारी या ऑफिसर आपके ड्यूटी पोस्ट पर आते हैं जाते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड का कर्तव्य बनता है सिखाए हुए तरीके से उनको सैल्यूट करना है, उनको सम्मान देना है। डॉन, अभी ऐसे हो तो ऐसे दाहिने मुड़ना है। परेड ड्यूटी के लिए विसर्जन, दाहिने मुड़ो, सैल्यूट, डॉन, जाइए।